नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं गीति लेकर हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नशा देकर महिला से किया रेप, महिला के विरोध करने पर बेरहमी से पीटा, पीड़ित महिला शिकायत लेकर पहुंची थाने, आरोपी ने पूरे परिवार को दी धमकी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, नशे की हालत में एक पीड़िता के साथ रेप का मामला सामने आया। मड़ियाव थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां नशे की हालत में महिला के साथ किया गया रेप। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, मड़ियाव थाना लगता है, जिस ओर महिला के साथ नशे की हालत में रेप करने की वारदात को अंजाम दिया गया, वही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही साथ आरोपी ने पूरे परिवार को धमकी तक दी। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मिशन 2022 के लिए गांव गांव जाएगी सरकार, गांव गांव जाकर मंत्री करेंगे सेवा कार्य। तो गांव में कोरोना को लेकर किया जाएगा जागरूक। जिले के हर ब्लॉक में प्रवास की गई जिम्मेदारी, तो अब मिशन 2022 के अंतर्गत यूपी सरकार गांव गांव जाकर कल्याणकारी सेवाओं को अवगत कराएगी लोगों को, साथ ही साथ जागरूक भी करेगी गांव को, लोगों को कोरोना को लेकर। तो सेवा के रूप में अब ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, वन महोत्सव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। वन महोत्सव पर 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य, जुलाई के पहले सप्ताह में रोपे जाएंगे 30 करोड़ पौधे। वन महोत्सव को सफल बनाने का लक्ष्य, अभियान में शामिल होने का दिया गया निर्देश। सीएम ने अभियान में जन सहभागिता को लेकर दिया जोर। तो वन महोत्सव में अब पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कुशीनगर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले दो दिनों में हो सकती है भारी बारिश, जिले में जारी किया गया अलर्ट। तो कुशीनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर। अगले दो दिनों का यह अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। वहीं अगली बड़ी खबर, सीआईएसएफ जवान के लिए लगा वैक्सीनेशन कैंप, सीआईएसएफ कैंप में वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत, सीआईएसएफ के जवानों ने लगवाई वैक्सीन, 153 बल सदस्यों के परिजनों को लगी वैक्सीन। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीआईएसएफ के जवानों के लिए एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें सीआईएसएफ के जवान और उनके परिजनों ने वैक्सीन लगवाई, तो 153 बल सदस्यों के परिजनों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं अगली बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, 15 जून से 3 जुलाई के बीच होंगे चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 15 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच ये चुनाव संपन्न कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। डालते हैं नजर आज के पहाड़ समाचार पर। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह 6 बजे से 22 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई है।
साथ ही कोरोना संक्रमण में और कमी लाने पर 22 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक करने के संकेत भी दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 296 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 12 की मौत हुई थी। इसके अलावा 990 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में इस सप्ताह भी बाजार 3 दिन ही खुलेंगे। 16 जून, 18 जून और 21 जून को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिसमें राशन, परचून, जनरल स्टोर शामिल है, सब कुछ 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगे। उत्तराखंड के दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के से सीधे हल्द्वानी पहुंचे थे। सीएम ने इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की जनता के लिए और राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। दिवंगत इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से राजनीति में बहुत कुछ सीखा है। देखिए, इच्छाएं तो उनकी यही थी कि लोगों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करी जाए। इच्छा उनकी ये भी थी कि कैसे 2022 में मिशन फतेह कांग्रेस करें, और इच्छा ये भी थी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से अगर बात करी जाए कि वो शायद प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व करने का उन्हें एक बारी अवसर मिल जाए। लेकिन अब ये सारी इच्छाओं को हम सबको मिलकर पूरा करना, और जो विकासशील, प्रगतिशील जो उनकी सोच थी, नेक सोच थी हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक सामाजिक उससे जुड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा, उन्होंने हर लोगों के लिए मिलकर। श्रद्धेय इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति है और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला, और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी। छोटे भाई के रूप में वो मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। काशीपुर में अवैध खनन का गढ़ कही जाने वाले उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं पर पुलिस नकेल कस रही है। खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के हाथ सफलता लगी है और अब इलाके में अवैध खनन पर अंकुश लगा दिया गया है। आईटीआई थाना अध्यक्ष विधाधर जोशी के नेतृत्व में अब तक अवैध खनन की 123 वाहनों को सीज कर दिया गया है, जिसमें जेसीबी, डंपर सहित कई वाहनों को सीज करने के साथ ही चालान की भी प्रक्रिया थाना क्षेत्र में की गई। पड़ोसी प्रदेश से अवैध खनन कर आने वाले वाहनों पर भी उत्तराखंड पुलिस अपना कानूनी हंटर चलाने से पीछे नहीं हट रही है और लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारे द्वारा जो ये अवैध खनन पे जो गाड़ियां बिना रॉयल्टी के और अवैध खनन करते हुए पाई जाती है, उस पर लगभग जनवरी से अभी तक हमने 123 वाहन, 123 बड़े वाहन, जिसमें जेसीबी भी है और ट्रक, ट्रैक्टर सभी हैं, इन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिनको हमने सीज किया है, जिनका रिपोर्ट जो है हमने खनन विभाग को और उनको एसडीएम साहब को और कुछ की वन विभाग को नियमानुसार भेजी है, जो अभी जिन पे कार्रवाई की जा चुकी है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। समय समय पर हमारे द्वारा, हमारे उच्च अधिकारी द्वारा भी चेकिंग अभियान चलाया जाता है, वो लोग भी इसमें शामिल रहते हैं, हम लोगों का भी डेली रूटीन। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वालों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड सहित बाकी पहाड़ी इलाकों में भी प्रवेश करने वाले पर्यटकों को भी कोरोना की रिपोर्ट दिखाना होगा। यहाँ भी लोगों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही पर्यटन स्थल में जाने के लिए अनुमति मिलेगी। बता दें कि नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की गाड़ी बाजीपुर से निकली है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है।
मौजूद हैं यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के बाजपुर दोराहा पर। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि कोविड 19 की जिस दिन से गाइडलाइन जारी हुई है, लगातार यहाँ पर कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है और बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोककर एंट्री करने के बाद ही उनको उत्तराखंड में एंट्री दी जाती है। कैनर जदित मोहम्मद नाजिम। बासपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव कई एकड़ के जमीन के मामले में अनशन पर बैठे। बता दें कि बासपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग पर सपा कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन पांचवें दिन भी शहीद भगत सिंह चौक पर 2 घंटे चला। मौके पर सपा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव सहित बलदेव सिंह, नवाब हैदर, काजमी कई लोग मौके पर मौजूद रहे। हम इस समय मौजूद हैं बाजपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर, जहां पर समाजवादी पार्टी 5838 एकड़ भूमि मामले को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव 6 दिनों से यहां पर कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ अरविंद यादव मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अरविंद जी, क्या है पूरा मामला? आपको बताना चाहता हूँ, 13 फरवरी 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय धीरज खरवाल जी द्वारा भाजपा के मुख्यमंत्री के आदेश पर एक फरमान जारी किया गया था। उसके बाजपुर क्षेत्र की 5834 एकड़ भूमि है, उसकी खरीद फरोख्त का पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई, लेकिन लगातार संगठनों के समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्य किया गया। एक गूंग की बहरी सरकार ने नहीं सुनी, जब सरकार ने नहीं सुनी उसके पश्चात समाजवादी पार्टी आज लगातार क्रिमिनल कंसर्न पर बैठी है। बाजपुर में 5 छठा दिन है, लेकिन आज 6 दिन होने के पश्चात भी कोई अधिकारी शासन का प्रशासन का सत्ताधारी किसी ने कोई छूट अभी तक नहीं ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2022 का चुनाव आ रहा है, तो आप भाजपा के लोगों, भाजपा के मुख्यमंत्री शुद्ध हमारी मत लो, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि जो आपने उत्तराखंड के साथ दुर्व्यवहार किया है, किसानों को बर्बाद करने का कार्य किया है, भाजपुर को बर्बाद करने का कार्य किया है, मजदूरों को बर्बाद करने का कार्य किया है। पर्वतीय इलाकों में आज भी ग्रामीणों की कोरोना संक्रमण की जांच पूरी तरह से नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे गांवों के ग्रामीण अपनी जांच कराना भी नहीं चाहते हैं। गांव के जनप्रतिनिधि ने कोरोना जांच के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है। लोगों को जागरूक करने के साथ अपील की गई है कि जांच कराने के लिए लोग खुद आ गया है। इसी कड़ी में PHC के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी ने आदेश दिया है कि फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी के नेतृत्व में रैपिड टेस्ट की टीम भंगोटा गांव में भेजकर लोगों की जांच कराई जाए। फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी ने बताया कि भंगोटा गांव में सभी ग्रामीणों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। चमोली के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बुलडोजर के एक गाड़ी से गिरने पर बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं गाड़ी में चालक के अलावा कुछ और भी लोग शामिल थे। बाकी के घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है। खास से लगभग 1 किलोमीटर नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की, जो स्थानीय था, उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे इंजर्ड हैं, जिनको एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के गुडरिच चाय बागान में एक युवक की हत्या हुई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या का खुलासा किया। यहां पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ में आरोपी कंचन की हत्या में शामिल उसके भाई के बारे में भी बताया गया है। फिलहाल पुलिस साथ ही आरोपी की तलाश के लिए दबिश डाल रही है। जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव से लगे हुए चाय बागान में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शनाख्त कराई गई। तो शनाख्त मृतक के ग्राम लक्ष्मीपुर के सौरभ पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है और हत्या के कारण के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा अथक प्रयास करके कंचन को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कंचन द्वारा बताया गया है कि मृतक और उनके आपस में पारिवारिक बहुत अच्छे संबंध थे, किंतु शराब पीने के दौरान इनमें आपस में झगड़ा हुआ। उसी में मृतक के द्वारा उनके पारिवारिक महिला पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे
बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिजनों का ख्याल रखिए, और देखते रहिए प्राइम टीवी।